हेलो फ्रेंड्स, टेक गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक फ़ोन का रिव्यू करने जा रही हूँ, वो है जियोनी का F103 Pro। इसका सेल्स पैकेज मैं जिसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूँगा, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिया गया है। इसमें 5 इंच का HD IPS डिस्प्ले दिया गया है, उसके साथ 2.5D कार्टेज डिस्प्ले भी दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है, बैटरी 2400 mAh का बैटरी दिया गया है। इसमें कैमरा है 13 MP का और फ्रंट में 5 MP का कैमरा दिया गया है। इसमें मेमोरी भी अच्छा दिया गया है, 3 GB का रैम दिया गया है, 16 GB का रोम और 128 GB तक इसका एक्सपेंडेबल मेमोरी है। और इसमें क्या दिया गया है, ये 3G 4G CDMA बोर्ड सबको सपोर्ट करता है। 1.3 GHz का प्रोसेसर दिया गया है, डुअल सिम है और इसमें एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो वर्सन दिया गया है, आप देख सकते हैं। और विथ एमिगो 3.2 OS के साथ। तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। और इसका जो SAR वैल्यू है, SAR वैल्यू है हेड के लिए 0.538 W/kg और बॉडी के लिए है 0.746 W/kg। ओके, तो चलिए सील को तोड़ देते हैं, फर्स्ट सील को काट लेते हैं। ओके, अब बॉक्स को निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने गोल्ड कलर ऑर्डर दिया था, ये है फोन, लुक्स में काफी बढ़िया है, टिप अच्छा है, 5 इंच स्क्रीन ठीक ही है, देख सकते हैं। यहाँ पर जियोनी का एक ब्रांड दिया गया है, ये देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या दिया गया है इसमें। इसमें एक स्क्रीन पेपर दिया गया है प्रोटेक्टिव, कुछ यूजर मैनुअल है आप पढ़ लीजिए, आपके हिसाब से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक डेटा केबल दिया गया है और इसमें एक USB चार्जर दिया गया है। देखते हैं इसका एम्पियर कितना है, इसका आउटपुट वोल्ट है 5 वोल्ट 1000 mA और इनपुट है 0.2 एम्पियर। फास्ट चार्जिंग नहीं है मुझे लगता है। क्या दिया गया है देखते हैं, इसमें एक अच्छी क्वालिटी का हेडफोन दिया गया है। और लास्ट में है इसका बैटरी जो 2400 mAh का है। चलिए फोन को ऑन करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट
इसको उठा लेते हैं, हम देख सकते हैं जियोनी का ब्रांड आ गया है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट है, हम देख सकते हैं व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छा है। टाइम लग रहा है, बूटिंग हो रहा है, इसको स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। बुटिंग कंप्लीट किया गया, बुटिंग कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं इसका फास्ट स्क्रीन आ गया है, काफी ब्राइट है, देख सकते हैं स्क्रीन काफी अच्छा है। देखते हैं 3 GB में 2 GB तक अवेलेबल है फास्ट बूटिंग के बाद। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है। इसमें पहले से फेसबुक, इंस्टाग्राम और कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। काफी अच्छा है, स्मूथ ओएस। कैमरा देखते हैं, कैमरा भी काफी अच्छा है, फ्रंट का भी काफी अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।